बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको दोशिस किचन में। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपनी जमान में रखे, आमीन। इसके साथ ही आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी चिकन लवर्स के लिए बहुत ही ईजी और इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आपको मजे के कबाब बना सकते हैं ईजी वे से। आप करेंगे इसको हम बिरयानी के साथ सर्व, प्लेटर सेट करेंगे। तो चले आए मेरे साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन स्ट्रिप्स कबाब है ये, बहुत ही मज़े की इजी वे में बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन। देखिए योगर्ट यूज़ कर रही हूँ इसमें, मैं तकरीबन डालूंगी इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें योगर्ट ऐड की है और बड़ा क्रीमी सा योगर्ट मैंने इसमें ऐड किया है। हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, टू टेस्ट ऐड करेंगे अपने हिसाब से, मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी सी टर्मरिक यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, 1/4 टीस्पून मैंने ऐड की है। जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली, चिली सॉस है ये मैंने ऐड किया है, घर की बनी हुई है चिली सॉस। इसके अलावा मैंने इसमें ये देखिए ग्रीन सॉस ऐड की है, ग्रीन चिली सॉस। और इसमें हमने ऑयल ऐड किए, ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड मैंने ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन ऐड किए, फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं करी, फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा से इसका कलर आएगा। चिकन की मैरिनेशन कर ली है हमने और इसको मैं रखूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चल मिलते हैं आधे घंटे के बाद। स्टिक्स ली है हमने, शर्ट स्टिक्स, इस पर हम इसको लगाएंगे। रेसिपी जो है मेरी वो स्ट्रिप्स कबाब की है, लेकिन आज प्लेटर सेट करेंगे, थोड़ी सी बिरयानी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो चलें इसको हम स्टिक्स पे लगा लेते हैं, हम इसको जिग जैग में करते हुए लगाएंगे। देखें फिर दूसरी साइड पे, और ये हमारा एक कबाब जो है हम सीख पे लगा चुके हैं, ये देखें इस तरह से, ये देखें हमने लगा लिया एक कबाब अपना। तो कबाब को लगा चुके हैं हम स्टिक्स पे, तो चलें फ्राइंग की तरफ चलते हैं, इनको हम करेंगे फ्राई। कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। कबाब है झटपट से बन जाते हैं, इजी मैरिनेट करके आप इसको, आपके अगर गेस्ट आ रहे हैं तो जल्दी से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे कबाब रेडी हैं, इसी तरह हम इसको डिश आउट करते हैं। सर्व करें, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, हमने बहुत ही इजी वे से कबाब बनाए हैं, स्ट्रिप्स कबाब हैं, उसके साथ हम बिरयानी सर्व कर रहे हैं चटनी के साथ और साथ में सैलेड है, ज़रूर बनाइएगा आप इस रेसिपी को। फिर ये हमारी आज की रेसिपी स्ट्रिप्स कबाब बनाए हमने, बिरयानी के साथ उसको सर्व कर रहे हैं, सैलेड और ग्रीन चटनी है हमारे पास। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही दोशिस किचन की इजाज़त देते हैं, दुआ में याद रखें, अपने ढेरों ख्याल रखें, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हाफिज़।